गुड मॉर्निंग सर, आई एम ए न्यू असिस्टेंट. सर नहीं आए. लाइफ का हो या गाड़ी का, हमारे सर जीना किसी और के हाथों में कंट्रोल नहीं देते. ये स्माइल भी करते हैं? रज के स्माइल करते हैं हमारे सर जी, पर वो क्या है ना, सिर्फ अपनी बहन सोनू और भाई कार्तिक के साथ ही करते हैं. ओ भैया, रोके के लिए लहंगा फाइनल करवा दो ना प्लीज. ओके, दिस और दिस. Oh this, oh this, oh this. Oh my God, look at this one. This, this. कितने प्यारे लेंगे है ना भैया? प्यारे नहीं, बहुत सारे लेंगे. भैया please, आपको पता नहीं कि girls लहंगों के लिए कितनी सेंटी होती है. That's true. CV में special skills में लिखा होता है. Can rock lehenga like a pro. तुझे क्यों जलन मच रही है? ये simple वाला ले ले. भैया मैं अपने रोके के लिए लहंगा ले रही हूँ. डॉग वॉक के लिए नहीं. सिलेक्ट अगेन. यार इतने पैसों में तो 1 BHK आ जाता. हाँ, पर 1 BHK मेरी कमर में फिट नहीं आएगा ना. गाइस, गाइस, मेरी मीटिंग है, मैं घर आके चूज करता हूँ. बहुत लेट हो जाएगा भैया, लहंगे के बिना कुछ भी सिलेक्ट नहीं होगा. ना मैचिंग इयररिंग्स, ना नेकलेस, नथिंग. एक्सक्यूज मी सर, आपके मिस्टर मेहता के साथ कैफे में 15 मिनट में मीटिंग है. बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आप प्लीज मुझे लिफ्ट दे देंगे? मेरी हेल्प कर दीजिए प्लीज. मैं सच बोल रही हूँ, मेरे दिल में सच है, मेरे फेस में भी सच है. मेरी ओर देखिए तो सही, ज़ूम करके देखिए. गाड़ी वाले पांक, पांक. सीपी की तरफ ले लीजिए. देख क्या रहे हो, चलिए. लोगों को ना अपनी मर्जी का यूजर नेम नहीं मिलता, आपको मर्जी का लाइफ पार्टनर मिला बिकॉज ऑफ मी. थोड़े तो एफर्ट्स कर लेते, ये किस स्पेस में भाग रहे थे आप? अच्छा हुआ गाड़ी वाला मिल गया. गाड़ी वाला नहीं तो आज तो फैमिलीज पकड़ ही लेती. तुम्हारे पीछे फैमिलीज लगी थी? जॉइंट फैमिलीज, वो भी दो दो.
दो फूफे, दो जीजे, दो मासड़, मासिया, नानी, पोते, बच्चे, बच्चा, एक बच्चा तो ट्राईसाइकिल पर पीछा कर रहा था। फैमिली से पीछा क्यों कर रही थी तुम्हारा? क्योंकि मैंने उनकी भाग के शादी करवाई है। अच्छा, इन्हें क्या हुआ? आउट, I said get out. लेकिन क्यों? क्योंकि जो लड़की लोगों की भागकर शादी करवाए, उनकी फैमिली का दिल तोड़े, वो मेरी गाड़ी में नहीं बैठ सकते। अच्छा ठीक है, आप मुझे निकाल दीजिए, चलेगा। लेकिन इन लोगों को आगे तक ड्रॉप करना तो इन दोनों को भी पड़ेगा। अरे अब मेरी बात सुन नहीं रहे? You too, out. अब देखिए वो लोग आ जाएंगे, आप समझ नहीं। Shut up. और तुम दोनों, What's wrong with you guys? Family is everything. लेकिन आजकल के यंगस्टर्स फैमिली वैल्यू समझते ही नहीं है। तुम दोनों को जरा से भी आइडिया है तुम्हारी हरकत की वजह से तुम्हारी फैमिली को कितना बुरा लग रहा होगा? लड़की की एज कितनी है? लड़की बालिग है कि नहीं? Oh God. फेस दिखाओ अपना। लगती नहीं है पर बालिग है। डोंट सॉरी पर इमरजेंसी है। इसको क्या हुआ? इश्क की इफेक्ट। मैं दिल नहीं सीधा दिमाग खराब करती हूँ। सर क्यों कार चोरी हो गई? कोई प्रॉब्लम ना है सर, हम तीनों ना एक काम करते हैं, हम तीनों ना इस वाली गाड़ी में बैठ के चले जाएंगे। अभी आप दोनों एक दूसरे को मिठाई खिलाइए। इश्की बेटा थैंक यू, तुमने हमारे लिए इतना बड़ा रिस्क लिया। अंकल इश्क के लिए रिस्क लेना ही पड़ता है। पर इतना बड़ा रिस्क? तुमने एक आदमी की कार चुरा ली। रिस्क की भी लिमिट होती है। यही तो पॉइंट है, लव में लिमिट नहीं होती। प्यार दुनिया की सबसे कीमती चीज है। जान देकर भी मिल जाए ना तो समझिएगा अच्छी बागें थी। आप बहुत लकी हैं, जो आपको प्यार मिला है इसे खोइएगा मत। और हाँ, अब करवा चौथ का व्रत रखने वाली आ गई है, इसका मतलब ये नहीं आप अपनी दवाइयों में ढील छोड़ दें। हाँ बड़ा सुना था आपके बारे में, आहान वीर मल्होत्रा। सुना था वक्त के बड़े पाबंद हैं आप, पूरे 5 मिनट लेट आए हैं। वक्त की कीमत का अंदाजा नहीं है आपको। I'm sorry, sir. कीमत इसकी और बढ़ा दो, क्योंकि अभी प्रॉपर्टी 4 करोड़ की नहीं 5 करोड़ की। लेकिन हमारी बात तो 4 करोड़ में हुई थी। बातों का क्या है, बातें तो बदल जाती हैं।
एक्सक्यूज मी सर, क्यों आए हो यहाँ पे, क्या कर रहे हैं भाई? दो लहंगों तक बाद में ले आऊं, आप बस एक फाइनल कर दो। गाइस आई एम इन अ मीटिंग, आई एम सॉरी भैया, लेकिन जब तक लहंगा फाइनल नहीं होगा मेरी शॉपिंग नहीं हो पाएगी, सो प्लीज जस्ट पिक वन, दिखा ना, ये देखो। जल्दी बताओ ये वाला। थैंक यू भैया, यू आर द बेस्ट। क्या है, तूने कान क्यों बंद किए? यार तेरा लहंगा बहुत लाउड है। तू मुझे खा के मर जा। गाइस आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, वो एक्चुअली कल मेरी बहन का रोका है और मेरे लिए फैमिली इज एवरीथिंग। तो फिर क्या सोचा आपने? पांच करोड़ वरना डील कैंसिल। मैं तुमसे नहीं, तुम्हारे पापा से बात कर रहा हूँ। पापा हो गए हैं बुड्ढे, तो जो बात करनी है मुझसे कर, या तो 5 करोड़ का चेक साइन कर वरना कट ले यहां से। सर फैमिली दो चीजों से चलती है, प्यार और डिसिप्लिन। बच्चे जब बड़ों की इज्जत नहीं करते तो प्रॉब्लम हो जाती है। ये 6 करोड़ का चेक है, मेरे सामने आपके बच्चे ने आपसे 2 बार बदतमीजी से बात की, आप बस एक बार इसे सजा दे दीजिए, ये चेक आपका। अबे क्या सिखा रहा है मेरे बुड्ढे को? और क्या ये फैमिली फैमिली लगा रखा है यहाँ तूने? तेरी फैमिली के बारे में ना यहाँ सब जानते हैं। तेरी माँ घर छोड़ के भाग गई थी ना, और तू यहाँ हमें ज्ञान दे रहा फैमिली का? जैसे तेरी माँ भागी थी ना वैसी तेरी बहन भागेगी। सॉरी, आज दिन ही अजीब है। कोई बुजुर्गों की इंसल्ट कर रहा है तो कोई बुजुर्गों को बिगाड़ रहा है। मुझसे नहीं हो रहा, तू कर दे। क्या कर रहा है? मुझे दे। बचपन से ही इतना एम्बैरेसमेंट हुआ, इतने ताने सुने। मम्मी ने ऐसा क्यों किया भैया? कौन सी माँ अपने बच्चों को छोड़ के जाती है? हमें कब तक सुनना पड़ेगा ये सब? हमेशा। माँ अपने बच्चों के लिए यादें छोड़ के जाती है, लेकिन हमारी माँ हमारे लिए शर्म छोड़ के गई है। तभी तो उनका नाम सुनते ही I'm
सॉरी। I lost control. मैं तुम दोनों का बड़ा भाई हूं। मेरा काम इस फैमिली की वैल्यूज को प्रोटेक्ट करना है, तमाशा करना नहीं। आई एम रियली सॉरी। मैं किसी भी हालत पे अपनी फैमिली पे आज नहीं आने दूंगा। गाड़ी भी लौटानी है, एड्रेस कैसे मिलेगा? आहान वीर मल्होत्रा। शक्ल से नाम बिल्कुल मैच नहीं करता। ए सोनू, इज इट ट्रू कि तेरे ससुराल में शॉर्ट्स नहीं पहनते? क्यों नहीं पहनते? बिकॉज पेंट हाउस में रहते हैं ना। भैया अपना इस तरह हंस हंस के इसकी बातों को प्रमोट मत क्या करो। इतनी कैसे भाई मिले? एक जो मेरे लिए अपनी जान भी दे सकता है और दूसरा जो टीवी का रिमोट तक नहीं दे सकता। तू भैया जैसा क्यों नहीं है? भाई को खुद जैसा होना इतना टफ पड़ता है, मैं कैसे भाई के जैसा हो जाऊंगा? वैसे मैं तेरे जैसा हो सकता हूँ। ऑल द टाइम्स विद शादी 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 शादी। क्या हो गया? हर किसी का एक सपना होता है। मेरा भी एक सपना है कि मैं एक अच्छे लड़के से शादी करके सेटल हो जाऊं। ए तू मेरा ड्रीम मत चुरा। तुझे भी एक अच्छे लड़के साथ शादी करके सेटल होना। वेरी फनी। आई नो। मुझे एक वर्किंग वुमन से शादी करके सेटल होना है। हमारे जब बच्चे होंगे तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करेंगे। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कोई प्रॉपर्टी नहीं मिल गई जो शेयर करने के लिए इतना खुश हो रहा है। मुझे तो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए। तो शादी के बाद नो झिकझिक, नो रोक टोक, एकदम फ्रीडम। तो यहाँ पे क्या होता है? चाची से पूछो, दादी से पूछो, क्या आंसर मिलता है? शादी के बाद कर लेना। अब फाइनली मेरी शादी हो रही है। हाय, हैप्पीली एवर आफ्टर। अपने भैया का सही है, इनको सपने भी आते होंगे ना, तो ऐसे यू सर्टिफिकेट वाले जिसमें लड़की इनके सपने में आएगी और ऐसे पूरियां तलेगी। वेरी फनी। तुम दोनों के लिए फनी है क्योंकि तुम लोगों के लिए पूरी पूरियां तलना, रोटियां बनाना, घर संभालना छोटी बात है, लेकिन मेरे लिए नहीं, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मुझे एक अच्छी होममेकर चाहिए। भाई आपको वर्किंग वाइफ से क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे एक हाउसवाइफ चाहिए। देखो जब एक कपल होता है ना तो चीजें नॉर्मल होती है, लेकिन जब कपल फैमिली बन जाता है तो डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं। और उस फैमिली को चलाने के लिए तीन चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, पैसा, प्यार और संस्कार। पैसा कमाना हस्बैंड की जिम्मेदारी, प्यार हस्बैंड वाइफ दोनों की जिम्मेदारी, एंड संस्कार वाइफ की। भाई आई रियली विश आप मेरे लैपटॉप होते, कम से कम मैं आपको अपग्रेड तो कर पाता। इट्स 2021 नॉट 1921। सब कुछ बदल चुका है भाई। कुछ नहीं बदला है, सब ऊपर से बदला है, अंदर से सब कुछ सेम है। फैमिली वैल्यूज, हस्बैंड दुनिया संभालते हैं एंड वाइफ घर। और तुम दोनों के कहने से ना कुछ चेंज नहीं होगा, रिश्तों का ग्रामर यही है। देखो मेरा प्लान सिंपल है, मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जिसके लिए सब कुछ प्रोवाइड करना मेरी प्रायोरिटी होगा, और मेरी फैमिली की रिस्पेक्ट करना उसकी प्रायोरिटी। जय बाबा संस्कारी। वैसे आप लोगों को एक बार बताऊं, आप दोनों के जो फंडे है ना कि मुझे सिर्फ वर्किंग वाइफ चाहिए, मुझे सिर्फ होम मेकर चाहिए, वो इनकी बैंड बजा देगा। कौन? इश्क। हाय, लव शो से कितना बेटर साउंड करता है ना, और स्पेशली वो एंड में क्यू की आवाज। ओह माय गॉड। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर आप लोगों को किसी और तरह की लड़की से इश्क हो गया तो क्या करोगे? नो वे, मुझे तो एक अच्छी होममेकर ही चाहिए। और मुझे वर्किंग वुमन ही चाहिए, और हम किसी और से प्यार होने नहीं देंगे। क्या भाई? क्यों भाई? आप लोगों ने शायद सुना नहीं है, इश्क पे जोर नहीं। जोर? वही तो बोला, इश्क पे जोर नहीं। इश्क पे जोर नहीं। देखा, आपके मुंह से बुलवा लिया ना मैंने, देखा आपने? देखा? Oh, nice. बच्चों, अरे कहाँ हो सब?
अरे मुझे पता ही था तुम तीनों यही होगे। अब बियर ठंडी है। वैसे ना आजकल लोग बियर को शिकंजी मानते हैं। थोड़ी सी गर्मी हुई नहीं ये बोतल खोल ली। आज गर्मी बहुत है नहीं। चाची नहीं मेरा तो बिल्कुल ही मन नहीं करता। ओके इतना फोर्स कर रहा है तो ले लेती हूँ। बच्चों ऐठे चाची आई सी। ओ बियर सियर चल रही है। हाँ तुम्हें तो पता है मैं तो इस सबसे बहुत दूर रहती हूँ। बस एक बार पी थी अपने रोके पे। अकल सोनू का रोका है अगर नहीं पीऊंगी तो इसका दिल टूट जाएगा ना। चल खोल देख। ए रुक कर दे। अरे बच्चों कहाँ तुम लोग। अरे तुम लोग यहां बैठे हो मैं। अरे वाह बियर चल मेरे लिए खोल। अरे सोनू का रोका है एक बियर तो बनती है। आहा ठंडी बियर बच्चों के साथ पीने का मजा ही अलग है। चल क्या रहा है इस घर में आपको इकाई नहीं छुपेगा। मतलब और कौन छुपा हुआ है। कल हमारी सोनू का रोका है तब साथ में मिलके सेलिब्रेट करेंगे। चलिए सब लोग चीयर्स कीजिए। सोनू के जाने के बाद घर तो सुना हो जाएगा। ओ प्लीज चाची इसके जाने के बाद ना घर का आईक्यू लेवल बढ़ जाएगा। शोर का लेवल घट जाएगा। एक एक्स्ट्रा कमरा भी मिल जाएगा। मैं तो इतना खुश हो जाऊंगा कि हंसते हंसते रो। कितना गंदा लगता है। हंसते हुए भी कौन सा टॉम क्रूज लगता है। ये रोना धोना हम विदाई के दिन करेंगे। आज सिर्फ सेलिब्रेशन होंगे। अरे आपसे मिलने लड़की आई है। हैं? कौन लड़की। अरे आपकी बहुत खास है। क्या बकवास कर रहा है। अरे चिट्ठी लेकर आई है भाई साहब। खास तो होगी ना। मैंने तो मिठाई भी परोस दी है। चिट्ठी अहान के लिए लाई है। हाँ। चिट्ठी में क्या लिखा होगा। दादी लिखा होगा मेरे प्यारे अहान मेरा कोई एम्बिशन नहीं है
मुझे ना जॉब के आइडिया से चक्कर आ जाते हैं। तुम्हारे लिए गोभी के पराठे बनाना ही मेरा सपना है। और ना उस लेटर में ना वो हाँ, किसीस तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। सोना भाई इज टू मच संस्कारी, वो सब शादी के बाद वाली चिट्ठी। शट अप। अरे लड़की है कौन? यू कार थीफ? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.